हेलो गेमर्स मैंने भी जब और आज हम देखने वाले है, वारे है, वारे है, वारे हैं वायरल माइनक्राफ्ट टिकटॉक एक्टिवेट द पोर्टल एंड क्लियर आउट द एंटायर रूम अराउंड इट ओके तो हमको सबसे पहले पोर्टल को एक्टिवेट करना है एंड पोर्टल को एंड जो पूरा का और पूरा रूम है उसको हमको वहां से क्लियर करवा देना है एंड देन प्लांट अ मशरूम टू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द पोर्टल एंड ग्रो विद द बोन मिल ओके लेट्स डू इट लोकेट स्ट्रॉन्ग होल और ये आगे स्ट्रॉन्ग होल के कोऑर्डिनेट्स एंड देन हमको खुद को टेलीपोर्ट करवा लेना है स्ट्रॉन्ग uh, होल के कोऑर्डिनेट्स पर एंड उसी के नीचे आई I मीन mean, उसी जगह पर हमको ये वाली चीज ट्राई करनी है तो अभी से जल्दी से नीचे चलते हैं एक सेकंड में अपना गेम वोड चेंज करवा लेता हूँ स्पेक्टेकुलर में इससे हमको आसानी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड करने में एक मिनट एक मिनट मिन, मुझे स्ट्रॉन्ग होल दिख गया जो कि काफी ज्यादा नीचे है भाई ये कुछ ज्यादा ही नीचे है ये वाला स्ट्रॉग होल्ड तो अभी सबसे पहले हमको गेम वोड चेंज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं मुझे उन सारी सारी चीजों को तोड़ना है तो यहाँ पर ये जो लावा वगैरह है मुझे इसको भी यहाँ से बंद करवाना पड़ेगा अगर हमको ये वाला एक ट्राई करवाना है तो तो सबसे पहले ये लावा को मैं बंद करवा लेता हूँ एंड मुझे और एक चीज़ करनी है मुझे पोर्शन ऑफ नाइट विजन पीना है क्योंकि अगर मैंने लावा को बंद कर दिया तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं तो एक पोर्शन ऑफ नाइट विजन मैं पी लेता हूँ देखो अभी सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है एंड यहाँ पर जितना भी लावा वगैरह है यहाँ पर आपको उनको ब्लॉक्स लगाकर इस सब मतलब इन ब्लॉक्स को तोड़ना है तो मैं स्टेयर्स को भी जल्दी से यहाँ से तोड़ देता हूँ एंड इसके बाद हमको पोर्टल को बस एक्टिवेट करना है एंड इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको आई ऑफ एंडर चाहिए होती है एंड यहाँ पर भी जो थोड़ा सा अलावा इसको भी मैं बंद करवा देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ये मैंने पूरा का पूरा जो रूम है वो क्लियर करवा दिया अभी बस हमको इस एंड पोर्टल को एक्टिवेट करना है एंड देन इसके बाजू में दो ब्लॉक छोड़कर हमको यहाँ पर एक मशरूम का ट्री प्लांट करना है वन एंड टू ये ये वाला ब्लॉक एंड देन वी नीड आई ऑफ एंडर तो अभी बस जो बस इस पोर्टल का एक्टिवेट करवा देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड ये एक्टिवेट हो गया एंड ओ भाई मैंने को एक्टिवेट कर दिया हमको यहाँ पर दो ब्लॉक ना मशरूम वाला जो ट्री होता है, करना है, उसको करना है uh, ये ग्रो हो गया एंड एंड पोर्टल एक्टिवेट तो है ना वो एक्टिवेट है देखो ओ माई गॉड एज यू कैन सी ये आई I मीन mean, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो टूट गया लेकिन फिर भी हमारा एंड एक्टिवेट है ओ भाई सब ये कितनी ओपी चीज़ है एक सेकेंड तो यहाँ पर भी मैं ये चीज कर सकता हूँ यहाँ पर भी मुझे आ, बीच वाला ब्लॉक तोड़ना है ये वाला देन यहाँ पर डर्ट लगवानी है मशरूम ट्री एंड उसको बोन मिल करना है तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा एंड एंड टूटेगा नहीं देखो एंड टूट नहीं रहा है ओ माय गॉड एंड ये ग्रो हो गया बड़ा हो गया एंड ये वाला स्ट्रॉन्ग होल भी टूट गया एंड अभी ये आखिरी डर्ट रेड मशरूम एंड इसको बोन मिल करना है देन ये भी ग्रो हो जाएगा ओ ये कितना ओपी लग रहा है एंड क्या मैं इसके नीचे से Oh, मैं इसके नीचे में से जा सकता हूँ मशरूम ट्री की मदद से हम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होल को तोड़ सकते हैं एंड वो स्टिल एक्टिवेटेड है आई कैंट बिलीव दिस वर्क तो यहाँ पर एक विदर को स्पॉन किया गया बेडरॉक के अंदर एंड देन हमको क्या करना है बो की मदद से वहां पर बहुत सारे शूट करने वो wow, इससे क्या होगा ओके okay, देन विदर एक ही हिट में मर जाएगा अगर अगर हमने वो वाला ब्लॉक तोड़ा तो देन इसने ब्लॉक तोड़ा एंड विदर मर गया तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बेड्रॉ की जरूरत है एंड यहाँ पर हमको एक रूम क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम विदर को स्पॉन करेंगे तो इस तरीके से हम विदर को मार सकते हैं भाई साहब मुझे सीरियसली पता नहीं था एंड इसको भी यहाँ से कनेक्ट करवा देना कुछ इस तरीके से एंड ये हमारा बेड्रॉ को रूम क्रिएट हो गया कंप्लीट एंड अभी बस हमको यहाँ पर विदर को स्पॉन करवाना है बस वो यहाँ से भाग ना पाए तो उसको स्पॉन करने के लिए हमको सोल सैंड की जरूरत होती है ये रही सोल सैंड एंड सोल एंड मुझे यहाँ पर लगवानी है वन टू थ्री नहीं इसके नीचे लगवानी पड़ेगी क्योंकि वो ऊपर से नीचे आता है सो so, ये टू एंड यहाँ पर थ्री एंड मुझे यहाँ पर विदर स्कल की जरूरत है ये रहा विदर स्कल देन वो यहाँ पर स्पॉन हो जाएगा भाई मुझे डर लग रहा है वो बहुत खतरनाक बंदा है एंड ये मैंने यहाँ पर स्पॉन करा दिया विदर तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई तो यहाँ पर यहाँ से भागना नहीं है ठीक है एक सेकेंड अगर यहाँ से भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बेड रॉक के ब्लॉक्स लगवा देता हूँ या ओ एक अरे वो भाग गया अरे वो भाग गया गधा कहीं का यार उसको भगवाना नहीं था मुझे अभी मुझे यहाँ पर और एक विदर स्पॉन करवाना पड़ेगा भाई साहब ये तो यार दिक्कत ही हो गई यार गलत सीन हो गया ये टू थ्री ये फिर से बार और एक विदर स्पॉन हो गया एंड मुझे अभी यहाँ से ऊपर निकलना है एंड अभी बस हमको यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रखना है इसके ऊपर अभी हमको बहुत सारे एरो शूट करने तो एक काम करता हूँ बंद कर लेता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर काफी सारे एरो शूट करवा दिए है एंड अभी हमको क्या करना है कि वहां का जो ब्लॉक है इसको बस तोड़ना है देन हमारा विदर खत्म हो जाना चाहिए भाई एक झटके में उसको लगा बट वो मरा नहीं What? भाई उसकी थोड़ी भी हेल्थ गई नहीं ये भाई ये क्या बकवास है I mean, तो एरो सारे सारे तो इसको डैमेज आएगा एरो से डैमेज आ रहा है देखो तो पॉइजन वाले डैमेज से मे बी वहाँ पर हमारा काम हो जाएगा तो मैं काम करता हूँ फिर से बार पर और एक विदर को स्पॉन करवा देता हूँ okay, काफी सारे पॉइजनस एरो कर दिए है एंड ये चीज यार काम करनी चाहिए इस बार उसको

वट द हैक वहां पर तो वो आई I मीन mean, ए सी स्पॉन कर रहा था ना उसने वॉट इज हैपनिंग आई गेस वन पॉइंट की वजह से ये चीज काम नहीं कर रही है क्योंकि ये चीज आई गेस 1.18 में काम करेगी आई मीन I mean, 1.17 में काम करेगी तो मैं 1.18 में अभी दैट्स पॉइंट आई गेस ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पर एक केक है केक के ऊपर कैंडल को प्लेस करा तो इन्फिनिट कैंडल स्पॉन हो रही है बस केक के ऊपर कैंडल्स रखनी है किसी का बर्थडे है तो यहाँ पर हम केक रखेंगे इसके ऊपर ये कैंडल वेट ये नहीं हो रहा है इसको मैं फ्लिंट एंड स्टील से जला सकता हूँ लेट्स ट्राई दिस मैंने कभी कैंडल को जलाया नहीं है माइंड में आई थिंक मैं इसको जला सकता हूँ कैंडल ओ मैं इसको जला सकता हूँ देखो ये तो बर्थडे केक जैसे हो गया भाई एंड रॉड एंड देन एंड रॉड के ऊपर हमको टर्टल एक्स रखने ओके okay, भाई हम चार टोटल एक्स एंड के ऊपर रख सकते हैं वट मैंने कभी देखा नहीं भाई ये मतलब चार एग्ज हम एंड्रॉड के ऊपर लगा सकते हैं वो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है एंड्रॉड को हमको यहाँ पर लगवाना है कुछ इस तरीके से एंड देन हमको इसके ऊपर टर्टल एग्ज रखना है एक सेकंड हम इसके ऊपर चार टर्टल एग्ज सकते हैं और रख सकते हैं है भाई देखो वाओ ये दिखने में कितना सही लग रहा है टाइम सेट मिड नाइट ये चमकना चाहिए ओ ये चमक रहा है देखो ये कितना ज्यादा ओपी लग रहा है भाई तो इसको ना हम अपने आ, अगर आपके माइंड काफ के में टावर्स वगैरह है वॉचिंग टावर्स वगैरह उसके ऊपर हम लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा सही लग रहा है भाई तो टॉर्चेस की जगह पर हम एंड ड्रॉड्स एंड टर्टल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सही लग रहा है तो यहाँ पर ये बंदा कुछ तो बना रहा है तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बाय तीन का हमको एक होल्डिंग करना है वो भी बहुत बड़ा वाला ओके एंड फाइनली हमारा रूम क्रिएट हो गया आठ बाय तीन का एंड इसके अंदर अभी हमको ग्लासेस रखने हैं दो ग्लासेस तीन ग्लासेस बीच वाला तोड़ना है एंड ऊपर वाला रखना है देने यहाँ पर हमको स्लैब्स लगाने हैं ओके इससे क्या होगा बट एंड देन ट्रैप डोर्स लगाने इसके साइड में ओके एंड देन हमको बाकी के डोर्स इसके और मतलब बाजू वाली साइड में लगाने इसके बाउंड्री वॉल पर ओके एंड देन सारे ट्रैपडोस को खोल देना है सारे के सारे डोर्स खोल दिए एंड उसके बाद हमको टोटल एक बीच में रखना है तो इससे क्या होगा भाई तो यहाँ पर उसने बहुत सारे झोम्बीज स्पॉन करे एंड वो झोंबीज टोटल एक ही पास जा रहे एंड यहाँ के दो ब्लॉक्स एंड हो गया सो गाइस फाइनली मैंने पर एक छोटा सा रूम क्रिएट कर दिया है जैसा कि वहाँ पर था एंड देन इसके बीच में हमको एक ग्लास का ब्लॉक रखना था ये वाले जगह पर वन टू थ्री तीन ब्लॉक तक लगाना था देन नीचे वाले दो को तोड़ना था एंड इसके बाद हमको इसके साइड में स्लैब्स लगाने थे इसके ऊपर वाले uh, साइड पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सेकेंड यार ये गलत लग गया एंड ये आखिरी वाला यहाँ पर एंड हो गया उसके बाद हमको जरूरत है ट्रैप डोर्स की जिसकी मदद से जॉम्बीज नीचे गिरेंगे भाई मुझे पता नहीं ये चीज काम करेगी या नहीं लेकिन ट्राई करके देखते हैं ये आखिरी वाला अभी सारे ट्रैप डोर्स को बस हमको खोल देना है कुछ इस तरीके से एंड अभी बस हमको एक टोटल एक की जरूरत है जिस टोटल एक को हमको इसके बीच में रखना है आई डोंट नो कि ये काम करेगा या नहीं लेकिन ट्राई करके देखते तो मैंने टर्टल एक बीच में रख दिया एंड अभी बस हमको यहाँ पर अंधेरा करना है टाइम सेट मिड नाइट ये अंधेरा हो गया फिर जैसे जो को इसको यहाँ पर रिस्पॉन्न करूंगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चले जाएंगे ओ भाई ये काम कर रहा है देखो हाउ आई मीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये चीज काम कैसे कर रही है भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है जॉम्बी टर्टल एक के थ्रू मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होते है क्या